अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स के मामले में मोहाली के एक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे साथ जसबीर गिल साहब हैं, पंजाब कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता। आपको लगता है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू पिछले कई सालों से कहते रहे, जैसे ही डीजीपी चेंज हुआ आप लोगों ने एक्शन ले लिया? नहीं, ये देखो ऐसा है कि ये नवजोत सिंह सिद्धू साहब भी कहते रहे, चन्नी जी भी कहते रहे, हमारे जो डिप्टी होम मिनिस्टर शिवजिंदर रंधावा उन्होंने भी कहा, और लोगों की बहुत देर से जो है ये इसकी डिमांड थी। और ये देखिए, ये कुछ ये नहीं है कि सपने में उठा और एक्शन ले लिया, इसके पीछे काफ़ी लंबी चौड़ी पड़ताल हुई है, काफ़ी कुछ इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन हुई है, और उस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है ये अब देखेंगे। अभी हम लोगों ने अंबिका सोनी जी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि पता नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4 सालों तक क्यों उसके ऊपर ढक। पंजाब सरकार ने अग्गे होके मुसीबतां नाल जूझ रहे किसानां दी बांह फड़ी है। मालवा बेल्ट विच इस साल नरमे दी फसल ते गुलाबी सुंडी ने अजिहा हमला कीता कि किसानां नूं अंदर तक तोड़ के रख दिता, पर पंजाब सरकार दे मुआवजे ने इन्हां जख्मां दे उपर मलम लगाई है। किसानां दे नाल सलाह मशवरे तों बाद सरकार इस कुदरती मार लई किसानां नूं 17,000 प्रति एकड़ दे हिसाब नाल मुआवजा दे रही है। इन्हां दे विच गुलाबी सुंडी जिहड़ी बठिंडा एरिया च पई है, सो जिहड़ा 12,000 दा पहला मुआवजा गया है किसानां नूं, हुण असीं कुल 17,000 रुपया जिन्हां दा 75% तों वध नुकसान हो गया, जिहनूं 100% मन्निया जांदा है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 17,000 ਰੁਪਈਆ 12,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 17,000 ਰੁਪਈਆ ਕੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਚੁਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ। क्यों इसको नहीं किया, ये तो वही बता सकते हैं। आपको लगता है कि जैसे ही चेंज हुए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चन्नी मुख्यमंत्री बने, नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मांग करते रहे, कहीं ना कहीं इसको डिले करने की जिम्मेदारी तो आप लोगों पे है? देखो, ये हम लोगों पे नहीं, ये तो जिनकी ड्यूटी है इन्वेस्टिगेशन करना, जिनकी ड्यूटी है इसके पीछे सच्चाई को उनमें रहे, जिसके पास होम डिपार्टमेंट रहता है, जो ऑफिसर्स रहते हैं उनके पास रहता है। हम तो मैं इसके बारे में अभी कहना मुमकिन नहीं है, एक बार जाके सारी बात की पड़चोल करेगी, इन्वेस्टिगेशन में क्या है उसके बाद आपको तफसील से बता सकते। सीनियर बादल प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि अगर ले जाना है तो मुझे जेल ले जाओ, एक वेंडेटा पॉलिटिक्स। आप लोग जो है दुर्भावना से ग्रसित होकर चुनाव से ठीक पहले, देखिए वेंडेटा पॉलिटिक्स के जो बेसिकली पंजाब में उसे लेके आए वो खुद बादल साहब खुद लेके आए, उनके राज में मैं भी 9 महीने जेल में रहा, तो ये उनका काम है ना कि कांग्रेस का। कांग्रेस हमेशा वेंडेटा, जहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट आती है, जहाँ इसके पार्टनर अलाइज आते हैं, वहाँ ही वेंडेटा होता है। जो ईडी कर रहा है, जो टैक्स रेट हो रहे हैं, अब यूपी में हो रहे हैं, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। जो पंजाब में हो रहा है वो एक पंजाब की एक जनरेशन नष्ट हो गई, अब कौन उसका दोषी है ये तो अदालत ही बताएगी, अगर जो भी दोषी है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, बेअदबी के मामले में जो हुए हैं पिछले दिनों और उसके बाद जिस तरह से लिंचिंग हुई, आज राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि मोदी सरकार आने के बाद लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी, आपके प्रदेश से अध्यक्ष कहते हैं कि सरेआम फांसी पे चढ़ा देना चाहिए नवजोत सिंह सिद्धू, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014, लिंचिंग एक फैशन बन गया। जब आप किसी का एक एग्जांपल बना देते हो, आपने पेलू खान को बिना मतलब लिंचिंग किया, जैसे इन्होंने और कई जगह लिंचिंग किया, ये जब भी कोई इलेक्शन आती है बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा, ये बीजेपी एज अ पार्टी ये काम करती है। पुलवामा हुआ इलेक्शन के बिल्कुल पहले, लव जिहाद हुआ यूपी के इलेक्शन के पहले,
ये इनका एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है, ये हर चीज को क्रिमिनल लाइंस पे इमोशंस पे खेलती है। मेरी सलाह है बीजेपी गवर्नमेंट से कि आप इससे बचो, जो काम आप करते हो वही आपको खाने भी आता है। तो ये जो ओहदे हैं ये अस्थाई हैं, देश स्थाई है, पहले देश की सोचो, देश के लोगों की सोचो, फिर इन बातों पे चलो। तो साफ तौर से जसवीर सिंह गिल जो कांग्रेस के सांसद हैं पंजाब से, उन्होंने खास तौर से कहा चाहे वो ड्रग्स का मामला हो या वेंडेटा पॉलिटिक्स का, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अकाली सरकार में बादलों के समय हुई। और जहां तक बीएसपी का मामला है उसको लेकर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया लिंचिंग के संदर्भ में, उनका कहना है कि इसकी शुरुआत वहां होती है जहां चुनाव से पहले बीजेपी इस तरह की घटनाओं को कम्युनल लाइन पे करने की कोशिश करती है और इससे बीजेपी को परहेज करना चाहिए। अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स के मामले में मोहाली के एक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे साथ जसवीर गिल साहब हैं, पंजाब कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता। आपको लगता है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू पिछले कई सालों से कहते रहे, जैसे ही डीजीपी चेंज हुआ आप लोगों ने एक्शन ले लिया? नहीं, ये देखो ऐसा है, ये नवजोत सिंह सिद्धू साहब भी कहते रहे, चन्नी जी भी कहते रहे, हमारे जो डिप्टी होम मिनिस्टर सुखजिंदर रंधावा उन्होंने भी कहा, और लोगों की बहुत देर से जो है ये इसकी डिमांड थी। और ये देखिए, ये कुछ ये नहीं है कि सपने में उठा और एक्शन ले लिया, इसके पीछे काफ़ी लंबी चौड़ी पड़ताल हुई है, काफ़ी कुछ इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन हुई है, और उस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है ये अब देखेंगे। अभी हम लोगों ने अंबिका सोनी जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, उनसे भी बात की, उन्होंने कहा कि पता नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चार सालों तक क्यों उसके ऊपर ढक्कन डाल के रखा, क्यों इसको नहीं किया, ये तो वही बता सकते हैं। आपको लगता है कि जैसे ही चेंज हुए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चन्नी मुख्यमंत्री बने, नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मांग करते रहे, कहीं ना कहीं इसको डिले करने की जिम्मेदारी तो आप लोगों पे है? देखो ये हम लोगों पे नहीं, ये तो जिनकी ड्यूटी है इन्वेस्टिगेशन करना, जिनकी ड्यूटी है इसके पीछे सच्चाई को उनमें रहे, जिसके पास होम डिपार्टमेंट रहता है, जो ऑफिसर्स रहते हैं उनके पास रहता है। हम तो मैं इसके बारे में अभी कहना मुमकिन नहीं है, एक बार जाके सारी बात की पड़चोल करेगी इन्वेस्टिगेशन में क्या है, उसके बाद आपको तफसील से बता सकते। सीनियर बादल प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि अगर ले जाना है तो मुझे जेल ले जाओ, एक वेंडेटा पॉलिटिक्स आप लोग जो है दुर्भावना से ग्रसित होकर चुनाव से ठीक पहले। देखिए वेंडेटा पॉलिटिक्स के जो बेसिकली पंजाब में उसे लेके आए वो खुद बादल साहब खुद लेके आए, उनके राज में मैं भी 9 महीने जेल में रहा, तो ये उनका काम है ना कि कांग्रेस का। कांग्रेस हमेशा वेंडेटा, जहां भी बीजेपी गवर्नमेंट आती है, जहां इसके पार्टनर अलाइज आते हैं, वहां ही वेंडेटा होता है। जो ईडी कर रहा है, जो टैक्स रेट हो रहे हैं अब यूपी में हो रहे हैं, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। जो पंजाब में हो रहा है वो एक पंजाब की एक जनरेशन नष्ट हो गई, अब कौन उसका दोषी है ये तो अदालत ही बताएगी, अगर जो भी दोषी है उन पे सख्त के सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, बेअदबी के मामले में जो हुए हैं पिछले दिनों और उसके बाद जिस तरह से लिंचिंग हुई, आज राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि मोदी सरकार आने के बाद लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी, आपके प्रदेश से अध्यक्ष कहते हैं कि सरेआम फांसी पे चढ़ा देना चाहिए नवजोत सिंह सिद्धू, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 लिंचिंग एक फैशन बन गया। जब आप किसी का एक एग्जाम्पल बना देते हो, आपने पेलू खान को बिना मतलब लिंचिंग किया, जैसे इन्होंने और कई जगह लिंचिंग किया, ये जब भी कोई इलेक्शन आती है बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा, ये बीजेपी एज अ पार्टी ये काम करती है। पुलवामा हुआ इलेक्शन के बिल्कुल पहले, लव जिहाद हुआ यूपी के इलेक्शन के पहले, ये इनका एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है, ये हर चीज को क्रिमिनल लाइंस पे इमोशंस पे खेलती है। मेरी सलाह है बीजेपी गवर्नमेंट से कि आप इससे बचो, जो काम आप करते हो वही आपको खाने भी आता है। तो ये जो ओहदे हैं ये अस्थाई हैं, देश स्थाई है, पहले देश की सोचो, देश के लोगों की सोचो, फिर इन बातों पे चलो। तो साफ तौर से जसवीर सिंह गिल जो
कांग्रेस के सांसद हैं पंजाब से, उन्होंने खास तौर से कहा चाहे वो ड्रग्स का मामला हो या वेंडेटा पॉलिटिक्स का, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अकाली सरकार में बादलों के समय हुई। और जहां तक बीएसपी का मामला है उसको लेकर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया लिंचिंग के संदर्भ में, उनका कहना है कि इसकी शुरुआत वहां होती है जहां चुनाव से पहले बीजेपी इस तरह की घटनाओं को कम्युनल लाइन पे करने की कोशिश करती है और इससे बीजेपी को परहेज करना चाहिए। कैमरा मैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। अलीशा बेगम, एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकदा। काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं। परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण इक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटो मैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे। अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान, 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, सारियां थामा तो निराश होते मायूस होने वाले, एक बार फोन जरूर करो, जिवे चाहोगे ओवे होएगा। इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर, ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ते मुटकरनी, लव मैरिज, सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत, सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चनपन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तोड़वाओ, रुसे नु मनाओ। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान, 98199 37467।